मैं इसको एक तरह से जब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे तो ये सबसे पहला प्रमेय है, यहाँ एनसीईआरटी में दिया भी होता है 6.1, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो बिंदुओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। चलो इसको देखते हैं, यहां से हम ले लेते हैं। तो ये ए बी सी हो गया, ये हो गया, इसको मान लो डी और इसको मान लो ई मान लो। तो कह रहा है कि अगर इसके ये समानांतर है तो आपको दिखाना है कि ए डी बटा बी डी इजक्वल टू ए ई बटा सी। यही है थिल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। पहले इस फिगर में रचना करना होता है, तो यहाँ से स्केल लगा लो और यहाँ खींचो, यहाँ ये एक ध्यान रखना है कि यहाँ से जो खींचेंगे ना, यहाँ थोड़ा सा दिखे कि 90 डिग्री है। उल्टे लाइन से कर देना, रचना जब भी करते हैं हम लोग उल्टे लाइन से कर देंगे, फिर इधर से भी उसी तरह से कर लेंगे और इसको क्या कर लो, कुछ भी नाम अपना रख सकते हैं इसमें। बिजली का खंभा वाला पोल बना देना है, याद रखना। अगर ये थिल्स प्रमेय आए तो इतना ही होता है हाई वोल्टेज वाला, तो उसको याद रखना। तो याद साधारण प्रतिज्ञा उसमें ये लिखा जाता है कि इस प्रमेय में क्या दिया गया है, ठीक है ना। फिर लिखा जाता है हमें साबित करना है, अर्थात इस प्रमेय के अनुसार हमें क्या साबित करना है, दो हो गया। फिर करना होता है रचना, जो ये हम लोग किए हैं रचना में आप क्या किए हैं, तीन चरण हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण, ठीक है ना। तो चार चरण में तुमको प्रमेय खत्म करना है, अगर ये चारों चरण एकदम बिल्कुल सही रहा तो 5 में 5 अंक तुम लोगों को मिलेगा। पहला चीज हो गया फिगर बनाना, विशेष प्रतिज्ञा लिखना या साधारण प्रतिज्ञा लिखता है बुक तो वही लिखेंगे, या दिया हुआ है ये भी लिख सकते हैं। तो चलो लिखो, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समानांतर डी ई एक ऐसी रेखा खींची गई है जो ए बी और ए सी को डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया, ये दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि साबित क्या करना है, तो साबित ये हमें साबित करना है कि ये जो विभाजन बिंदु है डी और ई, ये ए बी तथा ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, एक ही अनुपात में। अब अनुपात का मतलब क्या, ए डी बटा बी डी अगर है तो इधर क्या है, ए डी बटा सी डी, ये एक अनुपात। अगर नीचे से चलते हैं बी डी अनुपात बी डी बटा ए डी तो यहां हो जाएगा सी डी बटा ए, इसको एक अनुपात बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये करना है। इसके बाद हम लोगों ने रचना में लिखा कि बी से ई को तथा सी से डी को मिला दिया गया और डी से ए सी पर डीएन लंब तथा ई से ए बी पर ई एम लंब डाला गया, इतना हो गया, लिखा गया ना सबका। अब प्रमाण, प्रमाण देखो, सबसे पहले हम यहां एक कर लेते हैं, प्रमाण में लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज है डी ई बी तथा त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार, कौन से आधार है, डीई, एक ही आधार डीई पर तथा एक जोड़ी समांतर रेखाओं, कौन कौन सी रेखाएं हैं बोलो, डी ई
समांतर बीसी के बीच बन रही है, इसलिए त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा, पहले हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज देखो, त्रिभुज है ए डी ई, यहां अगर हम इसको आधार मान लेते हैं, इसको, तो क्या होगा, ए डी आधार ए डी, अब इसको आधार मानते हैं तो इस पर लंब कौन है, ई एम या एम ए गुना ई एम, इसको मानो इक्वेशन एक। ये देखना है इन दोनों में से कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम समझा चुके हैं कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसका लंब एम ई है चाहे ई एम है, बी डी ई या बी ई बी, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई डी ई बी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में एक बटा दो होगा आधार, इसका आधार कौन सा है, बी डी बी डी अगुना एम ई या ई एम दूसरा, ठीक है, दो को निकला ना। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, बहुत गुड़ चीज है समझो, तो समीकरण एक है यहाँ इतना, ठीक है ना, तो यहाँ एलएचएस में एलएचएस दे देते हैं, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होगा ना बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, तो एलएचएस को एलएचएस, ठीक है, तो नीचे अब एक बटा दो गुना बी डी गुना कुछ कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, क्या आ गया एडी बटा बी आया ना। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा बी डी, एडी बटा बी डी, एडी बटा बी डी हो गया ये, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर ई ई, त्रिभुज में समझ लिया, ये त्रिभुज है, जब इसमें हम मानते हैं किसको, एडी को आधार मानते हैं, तो लंब कौन सा होगा, तो पुनः त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुना एई गुना डी एन, और इक्वेशन नंबर कौन सा, ये समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, डी ई सी, बहुत बढ़िया डी ई सी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुना डी ई, तो सी ई होगा ना, सी ई आधार हो गया, और इस आधार के बढ़े हुए भाग पर कौन लंब है, डी एन गुना बी एन, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना, इतना आया। अच्छा त्रिभुज डी ई सी को हम किसी त्रिभुज के बराबर माने हैं, तो त्रिभुज यहाँ से त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि उसमें जो पांचवा या कुछ तीसरा निकला था ना ये, तो इसमें क्या है डी ई बी है ना, तभी ना एक साइड हम बराबर कर पाएंगे, तो यहाँ जो था ये याद रखना है कि त्रिभुज डी ई सी है, इसको बदल देना है त्रिभुज डी ई बी में, क्योंकि ये दोनों पहले ही हम सबसे पहले दिखाए हैं यही कि दोनों बराबर है, और इसी काम के लिए दिखाया गया है, नहीं तो इसका कोई काम ही नहीं है, तो बराबर
एक बटा दो गुना सी ई गुना डी एन। अब इसको इक्वेशन नंबर कितना देते हैं, पांच। अब लिखेंगे समीकरण चार में, समीकरण पांच से दोनों में एक बटा दो सी ई दोनों में है, सी ई नहीं, सी दोनों में नहीं होना चाहिए, नहीं इसमें ना, इसमें कहाँ सी है, ये तो जीव का त्यो रहेगा ही यहाँ ना, केवल इसको ना रिप्लेस किया है इसके बराबर, यहाँ देखो ए ई है, वहाँ है ना ए ई, इसमें इससे नहीं भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है ना, कौन समीकरण चार है ये कौन सा है, समीकरण पांच है, उसमें ना करना है। तो यहाँ अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुना ए ई गुना डी एन बटा एक बटा दो गुना सी ई गुना डी एन। कुछ कटने वाला है डी एन से डी एन, एक बटा दो एक बटा दो। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का देखो, और बटा क्या है त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए ई बटा सी ई। इसको क्या कर दिया जाए, अब देखो यहाँ है कौन सा समीकरण, ये कौन था, ये तीन, तो देखो तीन का त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, दोनों तो बराबर है। तो समीकरण यहाँ छ और समीकरण तीन से नहीं, केवल समीकरण छ और समीकरण तीन से अगर तू बे भाग का है के लिए हल, हल। नहीं हल भी नहीं, अगर देखते हैं तो हम पाते हैं कि एल एच एस क्या है, तो आर एच एस क्या होगा, अर्थात ए डी बटा बी डी इज इक्वल टू ए ई बटा सी, और यही ना प्रूफ करना है। तो बस इतना ही है इसमें, ठीक है ना, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर में हम बढ़ाते हैं, तो अब क्या हो गया, वो नहीं गया तो गरुड़ पुराण लिखाएगा जा। लिखेंगे समीकरण तीन तथा समीकरण छ से, तो एल एच एस तो बराबर है ना, तो समीकरण तीन का क्या है ए डी बटा बी डी, और समीकरण छह में क्या है ए ई बटा सी ई, और जो हमने हमें साबित किया था उसमें यही ना लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रमाणित हुआ।